हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये है माइक जो अमेज़न की वही टफ पैकिंग है जो कि हमेशा की तरह आती है। और आप देख लीजिए, मैंने बिल्कुल भी ओपन नहीं किया क्योंकि मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के सामने इसको ओपन करूंगा। तो दोस्तों हमेशा करते हैं अनबॉक्स, और काफ़ी अच्छी पैकिंग आती है अमेज़न की। और ये मुझे करीब 4 दिन में मिला है, मैंने 4 दिन पहले ही इसको ऑर्डर किया था। ओहो, इसमें आया है, सबसे पहले तो इसमें बिल आया है। बिल मैं आपको बता दूं, दो तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, इसको भी मैं रख देता हूँ साइड में, और अभी बात करते हैं। तो इस तरह का ये माइक हमें रिसीव हुआ है, और इसको चलिए ओपन कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या हमें बॉक्स कंटेंट मिलते हैं। तो इसमें इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब डब्बा लग रहा है कि हाँ वाकई में मजबूत डब्बा है, कि हाँ कुछ चीज़ बढ़िया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसका बहुत ही अच्छा जो है कैरी केस मिलता है, और देखिए कैरी केस जो है ये काफ़ी बड़ा है। हमारे पास पहले भी एक माइक था, ये देखिए इसका छोटा सा कैरी केस है, और ये काफ़ी अच्छा, इसकी क्वालिटी थोड़ी डल है, और इसकी जो वोया के माइक की क्वालिटी है, इसके कैरी केस की क्वालिटी भी अच्छी है। चलिए इसको रख देते हैं साइड में। और इसके अंदर और कुछ नहीं मिलता है, हाँ ये मिलता है यूजर मैनुअल, तो इसकी तो कोई खास जरूरत है नहीं, इसमें बताया गया कैसे यूज़ करते हैं, तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये जो है इसको रखता है। और दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ, ये इसका जो है माइक है, और काफ़ी छोटा माइक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों मैं आपको इसको भी दिखा देता हूँ, ये मेरा जो पुराना माइक है, इसकी जो है मैं दोनों चीज़ आपको बता देता हूँ कि ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ मात्र इसकी बहुत ही कम है, मुश्किल से 3 फीट लेंथ है बस। और इसकी जो वायर है वो काफ़ी कमजोर है, और इसकी जो वायर वोया की बात करूँ तो वायर काफ़ी अच्छी मुझे नजर आ रही है, और कहते हैं कि 20 फुट लंबा करीब है, तो ये एक अच्छी बात है कि काफ़ी लंबा आपको मिल जाता है। और इसके साथ एक पॉलिथीन मिलती है जिसमें मैं बताया था आपको क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहला तो ये पॉप फिल्टर की तरह मिल जाता है, रिफ्लेक्टर, जिससे हमें नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद ये भी काफ़ी अच्छा है, इसका देखिए काफ़ी अच्छा है, ढीला भी नहीं है बिल्कुल, जाने में दिक्कत आ रही है इसको भी अंदर। तो इसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे। तो ये जो इसका है पॉप फिल्टर, ये काफ़ी अच्छा है, पुराने वाले से, जो मेरा पुराना वाला माइक था उससे काफ़ी बेस्ट है, उसे तो मैं यूज़ भी नहीं किया था। और एक इसके साथ ये मिलता है, तो इससे क्या है कि हम अपने DSLR वगैरह में किसी में भी लगा सकते हैं, इसको डेस्कटॉप वगैरह में लगा सकते हैं, और यहाँ पे इसको लगाएंगे और ये एकदम यहाँ पे सेट हो जाएगा। और एक ये है जिसको हम, इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि DSLR में भी लग जाएगा, मोबाइल में भी लग जाएगा, लैपटॉप में भी लग जाएगा, कंप्यूटर में भी लग जाएगा, और कोई ऐसा हो जहाँ पे ये वाली नॉब लगती हो तो हम इसको यहाँ पे डालेंगे और ये वाली भी लगा देंगे। तो ये एक इसकी अच्छी क्वालिटी है। तो चलिए अभी हमें ये नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास Redmi Note 3 मोबाइल है, कभी DSLR लेंगे तो जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों एक इसके साथ ही जो मिलती है हमको, ये है इसकी बैटरी। तो बैटरी देखते हैं इसमें कहाँ लगेगी, मैं आपको बताता हूँ। ये जो बैटरी है ये चलती थी पहले घड़ियों में, तो सॉरी नीचे गिर गया था, मैंने उठा लिया अभी। तो अभी देखते हैं हम, ये इसमें आपको दिखाता हूँ, ये बटन है इसमें, देखिए स्मार्टफोन का नीचे है और कैमरे का यहाँ ऊपर है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं कि इसमें बैटरी कहाँ पर लगेगी। तो ये इस तरह ओपन हो जाता है, और बैटरी जो है इसमें यहाँ पर लगेगी दोस्तों, यहाँ पर देखिए बैटरी का दिखाया गया, और यहाँ पर इसमें बैटरी यहाँ इस तरह फिट हो जाएगी। वैसे मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह मेरे को इसका मालूम है कि मैंने इंटरनेट पर भी इसके बारे में पढ़ा था कि बैटरी लगाने की जरूरत हमें तब है जब हम कैमरा ऑन करते हैं, अगर हम इसको चलाते हैं मोबाइल से स्मार्टफोन से तो इसमें बैटरी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। और एक इसमें ये मिल जाता है जिसको हम यहाँ पर लगा के अपनी कॉलर में लगा पाएंगे। तो दोस्तों यही कुछ बॉक्स कंटेंट मिलते हैं हमको। अगर आपको ये माइक परचेज करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।